उच्च मनवादी लोग हैं जो इस काम को रोक रहे हैं, उनका भी इलाज पक्का, कोई अड़चन नहीं डाल रहा है। हम जब मूर्ति स्थापित करने वाले लोग हैं, हम खुद अड़चन डालेंगे? ये गलत बात है, ये झूठा आरोप है। जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में फूट है, बिल्कुल हमारी पार्टी में फूट नहीं है। कोई भी व्यक्ति झबरेला में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को दिया। इसके साथ ही अस्पताल के उच्चीकरण के लिए बजट पास होने पर मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक का आभार जताया। रुड़की के सिविल लाइन्स में पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा देशराज कर्णवाल के आवास पर पहुंचे दलित समाज के युवाओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 2019 में मुख्यमंत्री ने झबरेड़ा में मानकपुर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन लंबे समय से अब तक पूरी नहीं हुई। युवाओं ने मांग की कि घोषणा को पूरा करते हुए 24 फरवरी को रविदास जयंती से पूर्व प्रतिमा को स्थापित किया जाए। इसके साथ ही युवाओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भक्तोवाली झबरेड़ा के उच्चीकरण के लिए घोषणा के अनुसार पहली किस्त जारी करने पर पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री का आभार जताया। विधायक जी ने यह हमें आश्वासन दे दिया कि हम मुख्यमंत्री तक ये हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे, और अगर इसके बाद भी हमारा काम नहीं होता है तो समाज में बहुत रोष है, क्योंकि कई बार आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर 3 बार घोषणा होगी। उच्च मनवादी लोग हैं जो इस काम को रोक रहे हैं, उनका भी इलाज पक्का। बस मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हमारा काम 24 तारीख से पहले पहले हो जाए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक होता है तो फिर हम धरने के लिए बाधित होंगे। जो मनवादी लोग हैं जो उसे रोक रहे हैं, कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? वो नगर पंचायत में जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं मानवेंद्र सिंह, अच्छा, वे रोक रहे हैं, वे एनओसी देने से मना कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनका तो कार्यकाल खत्म हो गया। वे कर रहे हैं ना, सरकार में बैठे हैं वे भी, अच्छा, करा रहे हैं। अच्छा, सरकार में तो ये भी काम, ये विधायक जी तो वे रहते हैं खिलाफ है, विधायक जी से तो वे। चलो ठीक। आज झबरेड़ा क्षेत्र के झबरेड़ा नगर और भक्तोवाली व अन्य क्षेत्रों से काफ़ी लोग आज एक ज्ञापन देने मुझे यहाँ पर आए, और उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, उसके बारे में मुझे अवगत कराया और कहा कि ये घोषणा जल्दी से जल्दी 24 फरवरी को रविदास जयंती है, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जयंती से पहले ये घोषणा पूरी हो जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने हॉस्पिटल का जो निर्माण शुरू हुआ है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है, और मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहते हैं कि वो जो घोषणा करते हैं उसका वो शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे, कोई घोषणा बाकी नहीं रहेगी। जैसे भक्तोवाली का मामला है, भक्तोवाली गांव में अंबेडकर भवन और रविदास मंदिर का सौंदर्यकरण, उसकी घोषणा को हम जल्द पूरा करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, वह जल्दी ही पूरी होगी। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टेचू है माणकपुर चौराहे पर, और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की स्टेचू है भक्तोवाली गेट के सामने, उन दोनों मूर्तियों पर भी कार्रवाई गतिमान है। एनओसी जैसे ही मिलेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, जब वो प्रस्ताव चला जाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि सालियर गांव में भी एक बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी, और मानकपुर चौराहे पर भी लगेगी, रविदास जी की भी लगेगी। हम कोशिश रहेगी हमारी कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा को जल्दी ही शिलान्यास उद्घाटन करने आएंगे। देखिए, मानवेंद्र जी का कार्यकाल बड़ा सुंदर और अच्छा रहा, और मानवेंद्र जी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी उन्हें सिंबल, यदि उन्हें सिंबल मिलेगा दोबारा भी वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ये कहना गलत है कि वो इस काम में कोई बाधा बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने ही बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ स्थान बनवाए, बाबा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर सागर में बना, और यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी के नाम पर काम होंगे। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में फूट है, बिल्कुल हमारी पार्टी में फूट नहीं है। कोई भी व्यक्ति
झबरेरा का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, वो केवल अनुसूचित जाति समाज के नहीं है, गुरु रविदास जी सबके हैं, वो केवल अनुसूचित जाति समाज के नहीं है। नहीं मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कौन अड़चन डाल रहा है, मैं उनसे बात करूंगा। कोई अड़चन नहीं है किसी तरह की, कोई अड़चन नहीं है। पार्टी हमारी पार्टी की घोषणा है। नहीं देखिए, मेरे भाव पर जितनी भी घोषणाएं झबरेरा में हुई है वो मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे, और जल्दी ही मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, जल्दी ही वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को झबरेरा में बुलाएंगे और हॉस्पिटल का भी शिलान्यास होगा और जो ये घोषणाएं है उनका भी शिलान्यास होगा। वीरेंद्र यार की बात आप कर रहे हैं, वीरेंद्र जाति ने तो ये भी कहा ना कि घोषणा 2019 की है, ये बिल्कुल भी गलत है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा का विभाग है, चीफ सेक्रेटरी है और वो पूरा विभाग करता है उनके। मानवेंद्र जी से बात होती है? मानवेंद्र जी इसमें सहायक, मानवेंद्र जी से इस मामले में बात करेंगे और मानवेंद्र जी आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे। कौन लोग हैं जो अड़चन डाल रहे हैं? कोई अड़चन नहीं डाल रहा है, हम जब मूर्ति स्थापित करने वाले लोग हैं, हम खुद अड़चन डालेंगे? ये गलत बात है, ये झूठा आरोप है।